नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिर्जी बिग न्यूज। फिलहाल मौजूद हूं अमित ग्रोवर जी के साथ। सर, स्वागत करती हूं आपका हमारे जी। धन्यवाद। अमित जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वैसे पेशे से जो है समाजसेवी भी हैं, राजनीतिक भी हैं, और यूं कहिए कि बेशक से आज के दिन पार्षद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो विजन है वो MP लेवल के जो व्यक्ति का होना चाहिए, उतना अच्छा विजन इनका है। सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के ऊपर जो है ये खासतौर से काम करते हैं। जिस दिन से मैंने इनको देखा है काम करते हुए, हमेशा से ही इनको इसी विजन पे लगे हुए मैंने देखा है। समाज सेवा की अगर बात करें तो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, हमेशा आगे लगे रहते हैं। हमें जी बधाई के पात्र हैं आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत है जो दिन रात आपकी तरह जो है जुनून के साथ लगे रह सकते हैं। जी देखिए, समय ही ऐसा है, और जब समय ऐसा आता है, जो विपदा का समय आता है, उसमें हमारा ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग मिलकर के उस समाज के लिए, उस शहर के लिए जिनके बीच में आप पले बढ़े, जिन लोगों ने आपको प्यार दिया, जिन लोगों ने आपको जिम्मेवारी दी इस विश्वास के साथ कि जब ये समय आएगा तो ये लोग हमारी सहायता करेंगे, हमारे सुख दुख में साथ खड़े होंगे, तो वो जब समय आया तो उसको निभाने का जो समय है उसमें हम लोगों को काम करना है। इसी के तहत, इसी जिम्मेवारी को समझते हुए लगातार काम कर रहे हैं हम लोग। जी, शुरुआत करना चाहूंगी, हर एक पहलू पर बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर हाल फिलहाल में अमित जी का नाम आया था, लेकिन शुरुआत से पूछना चाहूंगी कि अगर बात करें आपके अपने वार्ड की, महामारी में जो है किस स्तर पर काम कर रहे हैं, किस किस चीज का जो है रेख देख आप खुद अपने अंडर ले रहे हैं? देखिए, अभी तो सिर्फ वार्ड की बात नहीं रहती, अब जो समय वो पूरे हिसार में काम करने का है। हिसार से बाहर के लोग भी शहर में आते हैं, वो लोग भी मदद मांगते हैं। मतलब हमें इस टाइम इंसानियत का जो है वो मानवता को देखना है, और लगातार हिसार शहर के लिए हमें काम करना है। जो भी व्यक्ति बेड की व्यवस्था के लिए पूछने के लिए आता है, कोई कोरोना की वैक्सीन के बारे में पूछता है कहाँ लग रही है, कैसे लगेगी, कोरोना टेस्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वेंटिलेटर कहाँ पर हैं, रात को पेशेंट 11 11 12 बजे कॉल करते हैं जो एम्बुलेंस में होते हैं क्योंकि घर पर उनकी तबीयत खराब हुई जी। तो वो लोग इंतजार कैसे कर सकते हैं, वो लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से, लेकिन जब वो हॉस्पिटलों में जाते हैं उनको बेड नहीं मिलता, तो वहीं से फ़ोन करते हैं और मौके पर पहुँचने का भी काम करता हूँ मैं। अभी 4 दिन पहले हमारी एक बहन थी सिविल हॉस्पिटल में, वो प्रेग्नेंट भी थी, 24 साल की थी, मेरे पास फोन आया तो मैं रात को पहुंचा, CMO मैडम से भी बात की, प्रयास किया तो वो एडमिट हो गए, तो वेंटिलेटर उनका अरेंजमेंट हुआ। इस तरीके से काफ़ी लोग आते हैं, जो हम लोग लगातार, हमारी जो टीम है, हम लोग 11:30-11 बजे दिन में डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट जो ठीक हुए, जो कोविड सेंटर हैं हम लोगों ने डॉक्टरों से बात की हुई है, हम लोग 11:30-12 बजे हमारी टीम पहुंचती है, वहां पता करती है कहां कहां बेड खाली है, और जो क्वेरीज आती हैं, जो लोग फोन करते हैं, हम उनको बताने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सारी व्यवस्था हम लोग, हमारी जो टीम है वो कर रही है। बिल्कुल, आपकी टीम वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बार चाहूंगी कि फोन नंबर जो है आपकी टीम की तरफ से, जो मेन जहां से जो है लोग कॉल करके इंक्वायरी जो इनकी है, हालांकि ये काम प्रशासन का है मगर फिर भी जो है आप समाज सेवी के तौर पर कर रहे हैं, एक बार नंबर जरूर हमारे। देखिए, नंबर मेरा, मैंने सार्वजनिक शुरू से ही किया हुआ है और सैकड़ों कॉल आते भी हैं और अटेंड भी करते हैं, 9034791000 मेरा नंबर है। और उसके अलावा विनेश जी हैं मेरे साथी, प्लाज्मा के लिए कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो, ब्लड के लिए कोई करना चाहे तो 9034850007 उनका नंबर है। तो उसके अलावा हमारा एक पेज है सद्भावना पेज, उस पर टोटली हम लोग अपडेट करते हैं, डेली लिस्ट अपडेट करते हैं, कहाँ कहाँ बेड खाली जो प्रशासन जारी करता है उस लिस्ट को हम वहाँ डालने का काम करते हैं, वैक्सीन कहाँ लगेगी, रात को मेरे पास लिस्ट आ जाती है वो डालने का काम करते हैं, कोरोना टेस्ट कहाँ कहाँ होंगे वहाँ वो लिस्ट डालने का काम करते हैं। मतलब हर तरीके की, उस पेज के अंदर विजिट करेंगे आप लोग तो आपको व्यवस्था मिल जाएगी, वहाँ पता लग जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, अभी आपने एक बात कही कि आप जो है अपडेट डालते हैं कि खाली बेड कहाँ पर है, क्या आपने कभी उन चीज़ों को क्रॉस चेक भी किया है, क्या जो आंकड़े सारे निकल कर के आते हैं कि भाई यहाँ बेड खाली है, वो क्या सच में होते हैं या नहीं? देखिए, कुछ हॉस्पिटल हैं जिनमें हमें कोऑपरेट मतलब मिलता है हमें, जैसे नोबल हॉस्पिटल है, गीतांजलि हॉस्पिटल है, CMC हॉस्पिटल है, काफ़ी जगह है, मतलब उन लोगों ने सहयोग भी करते हैं, वो कई बार लिस्ट में नहीं होता तो भी हम बात करते हैं, पेशेंट डिस्चार्ज होता है वो दे देते हैं, लेकिन कुछ जगह जो हैं, मैं कोई हॉस्पिटल है जिसमें जो लिस्ट में आते हैं, हम लोगों ने रियलिटी चेक किया, हम लोगों ने फ़ोन किया हमारी टीम मेंबर्स ने उसी के जस्ट 10 मिनट बाद कि यहाँ पर बेड खाली है, अभी रिपोर्ट आई है हमारे पास, तो वो बोलते हैं कि बेड तो खाली नहीं थी, हमने कहा सूचना आई हुई है सिविल हॉस्पिटल से, लिस्ट जारी हुई है, तो कहते हैं जी ये तो वैसे ही डाल दी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में जो है वो कमी को दर्शाती हैं, उसमें प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि सही सटीक जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी को देखकर सीरियस पेशेंट वहाँ पहुँचता है, और जब उसको बेड नहीं मिलेगा तो वो जो पेशेंट है वो गंभीर रूप से बीमार है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो
ऐसे कई केस हमारे सामने आए हैं जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बकायदा पूरी टीम मैनेजमेंट बना करके उसका ध्यान रखे और उस चीज़ को अपडेट करे, उसकी जिम्मेवारी तय हो अधिकारी की कि ये जो सूचना है वो बिल्कुल सही है जी। हालांकि जो है आप बेहद अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन के साथ भी आप जो है बहुत बार कोऑपरेट करते हुए नजर आते हैं, प्रशासन की कमियां कहां कहां पर आप मानते हैं, क्या लगता है कि प्रशासन जो है क्या काम ठीक स्तर पर कर रहा है या कमी कहां है? देखिए काफ़ी हज़ारों लोग बीमार हो गए एकदम से, और अचानक से जब इतनी संख्या हो जाती है संसाधन कम पड़ जाते हैं, और कर्मचारी खैर अपने स्तर पर तो चाहे हम पुलिस प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें, वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जहां बात आती है ना, मैनेजमेंट दुरुस्त होनी चाहिए, मतलब इतनी हाई लेवल की होनी चाहिए कि इस टाइम में तो कि एक ही फ़ोन पर सूचना मिले और तुरंत मरीज की जो है वो मदद हो सके, ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वहाँ वो स्तर की जो मैनेजमेंट है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी उसको। ऐसा ही एक वाक्या शायद सिविल अस्पताल में आया भी था, जहाँ वेंटिलेटर्स तो रखे हुए थे मगर जो है उन्हें सुचारू नहीं किया जा रहा था, और आपकी रिक्वेस्ट पर वो सुचारू बाद में हुए हैं, पहले क्यों नहीं उन पर? देखिए बिल्कुल वो वेंटिलेटर्स रखे थे, उसमें मैंने बात की अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की, तो मैंने पता लगाया, तो उन्होंने कहा जी, क्योंकि मुझे सुनने में आया था इसके लिए जो पैसा है वो स्वीकृत हो चुका है 27 लाख रुपया, उनके मॉनिटर खरीदे जाने हैं, वो इंस्टॉल होने हैं, तो वो चल पड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने बात की ADC साहब से, मैं मिलकर के आया गुप्ता गैस एजेंसी के पास प्लांट पर, तो मैंने कहा जी वो पैसा ट्रांसफर होना है उसको स्वास्थ्य विभाग को आप करेंगे तो वो दिल्ली की एजेंसी को जाएगा, तो वो आके इंस्टॉल कर देगी, तो लोगों की जान बच जाएगी, तो उन्होंने कहा जी इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। CMO मैडम से भी बात की मैंने, लेकिन वो कार्रवाई करते करते 5-7 दिन लग गए उसको, फिर मॉनिटर आए, इंस्टॉल भी हुए, एक्वा के थे वो, उस मतलब वो कम उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एक बार तो आपातकालीन स्थिति में उसको चलाया जाना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं 5-7 घंटे अगर उस पर रहेंगे तो हो सकता है स्टेबल हो जाए, तो उसको चलवाने का काम किया, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, मतलब ये तो काम एक ही दिन के नोटिस पे होना चाहिए, पैसा ट्रांसफर वन ट्रांसफर करना है अपने विभाग को, वो स्वीकृत हो चुका है, तो वो तो 1 घंटे का काम है, और इस टाइम तो आप किसी से भी बात करके, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था मुख्यमंत्री साहब ने भी DM साहब को, अपने DC मैडम को या जिनको भी है अधिकारियों को फुल पावर दे दी थी कि इनकी अथॉरिटी है ये चलाएंगे इसको प्रशासन जी। तो उस टाइम उसी को करके अगले दिन ही शुरू होने चाहिए, लेकिन उसमें 7-8 दिन लगा, तो इस तरह की व्यवस्था है, इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए इस आपातकालीन स्थिति में। बीच में बहुत बार ऐसा भी नजर आया वेंटिलेटर्स की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और ये शायद आज से पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया या लोग विश्वास भी नहीं करते थे, मगर आपका जो है इस बात पर शुरू से ही बड़ा जोर रहा, खासतौर से देखती आई हूँ कि आपने वार्ड को हरा भरा करने में, पेड़ पौधे लगाने में शुरू दिन से ही आप बहुत विश्वास रखते हैं। देखिए मेरा जो विज़न है वो, मैं एक विज़न पे काम करता हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर हम एक विज़न पे काम करते हैं, जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खुले से ये कर दिया हमने वो कर दिया उस तरीके से कोई फायदा नहीं है जी। आप एक विज़न को लेके चलिए, उस विज़न में मेरा सबसे पहला स्वास्थ्य का, स्वच्छता और सुरक्षा, ये 3 मैंने वार्ड के लिए रखे थे, और यही हम लोग हिसार के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्वास्थ्य में आप हॉस्पिटल सेवाएं हैं उनको ले सकते हैं, स्वास्थ्य में आप हरे पेड़ लगा सकते हैं हजारों, ताकि लोगों का स्वास्थ्य, लोग अब मेरे वार्ड के अंदर आप देखेंगे सेक्टर 16-17 का जो एरिया है वो वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा है जी। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं 20-30-50 लोग, तो मैंने उस रोड को आदर्श रोड बनाया, उसमें हजारों पेड़ लगाए, अब अगला मानसून जो आने वाला, जो पेड़ नहीं हो पाए उनको दोबारा से हम लगाने वाले हैं, मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया कि अब वहाँ मॉडल टाउन के आसपास के हिसार के अन्य लोग भी आने लगे वहाँ घूमने के लिए। 4-2.5 किलोमीटर का वो ट्रैक बनाया पूरा, उसमें आपको हजारों पेड़ मिलेंगे, सुबह सुबह ठंडी हवा मिलेगी, फूल मिलेंगे उसके अंदर, मतलब एक स्वास्थ्य को लेकर एक लाभदायक जो चीज़ होती है वो हमने तैयार की जी। तो ये विजन रहता है। उसके अलावा स्वच्छता का, स्वच्छता में हम लोगों ने ऐसे ऐसे पॉइंट थे जहाँ खुले में कूड़ा डालता था उनको हटा करके पेड़ पौधे लगा दिए, वहाँ पर खुले में कूड़ा डालना बंद करवाया, सड़कों पर जो मलबा डाल दिया जाता था उसको लिए हम लोगों को जागरूक किया, तो ये हमारा जो विजन है स्वच्छता पर ये चलता है। स्वास्थ्य में एक चीज और भी करते हैं हम लोग, हमने सभी पार्कों में ओपन जिम लगवा दिए, सभी पार्कों का सुधारीकरण कर दिया, क्योंकि पार्क एक ऐसी चीज है जहाँ सैकड़ों लोग सैर करने के लिए आते हैं, सुबह शाम आते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव डाले वो, उन चीज़ों को तैयार किया। अब सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कैमरे का बंदोबस्त कर रहे हैं हम लोग, अभी तक प्रशासन से वो नहीं हो पाया, लेकिन हम अपने स्तर पे 28 कैमरे सेक्टर 13 में लगा चुके हैं जी। ऐसी एंट्रीज पे, मुख्य चौक पे, अपने वार्ड में हम लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें हैं, यही हम हिसार के अंदर करें, इसके अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं। स्वास्थ्य में सीवरेज व्यवस्था भी आ जाती है, अगर सीवरेज का पानी बाहर बह रहा है तो स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव डालता है, आप उसको ठीक करते हैं तो वो स्वास्थ्य विजन के अंदर ही आता है। स्वच्छता में आप सफाई को लेकर के हर चीज़ को काम कर सकते हैं, तो इसके तहत अगर काम होगा तो हम लोग स्वास्थ्य के अंदर सिविल हॉस्पिटल का भी आ जाता है,
आप उसके अंदर सारी व्यवस्था हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, हर चीज़ हो, ये सब पहले होना चाहिए था जी। खैर अभी भी टाइम है, आगे भी है, जैसे ही हम इस आपदा से निपटेंगे तो हमें सबसे पहले फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए, जो लगातार मैं एक साल से कर रहा हूँ जी। इस दौरान सुना है कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे देखिए समाजसेवी हैं बाकायदा, नो डाउट लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचाने में, कहीं बनवाने में, राशन दान करने में, लेकिन आप अकेले ऐसे हैं, खासतौर से अगर बात करूँ पार्षदों में, जो खुद एक एक घर जा करके लोगों से रोज मिलते हैं, उन्हें संभालते हैं, उनका खाना डिलीवर करते हैं, इस पर कुछ जाना? देखिए बिल्कुल, हम लोग काफ़ी संस्थाएं ये सेवा कर रही हैं, लेकिन मस्टर्ड से जो राकेश अग्रवाल जी हैं, त्रिलोक बंसल जी हैं, विशाल जी हैं, हम सब लोग मिलकर के एक टीम है 100-150 लोगों की, जो लगातार अलग अलग एरिया में खाना पहुंचाने का काम कर रही है। और मैंने खुद बकायदा, मेरे पास मेरी टीम भी है, लेकिन मैंने खुद ये सोचा था कि मैं अगर खाना खुद लेकर के जाऊंगा, उनका हालचाल भी पूछ पाऊंगा, उसके अलावा उनके घर से कूड़ा टाइम पे उठ रहा है नहीं उठ रहा वो भी मैं जान पाऊंगा, उनकी तबीयत कैसी है, उन्हें कोई दिक्कत है, तो मैं खुद मिलकर के उनका हालचाल जानता हूं, उनको डेली खाना पहुंचाने का काम करता हूं। जी। और ये खाना पहुंचाना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उन्हीं को खाना पहुँचा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है, खाना इसलिए पहुँचाया जा रहा है उन लोगों को, वो आर्थिक रूप से भी संपन्न है, अगर एक घर में एक महिला संक्रमित हो गई तो उसका पूरा परिवार जो है वो खाना कैसे खाएगा, चार सदस्य हैं, चारों अगर संक्रमित हो गए, ऐसे भी केस हैं, तो खाना कैसे बनेगा, तो हम उन लोगों को खाना पहुँचाने का काम करें, और वो लोग भी पूरा सहयोग करना चाहते हैं हमें आर्थिक रूप से, हमारी उनसे यही गुजारिश है, आने वाले टाइम में हम पेड़ पौधे और लगाने वाले हैं प्लाज्मा के लिए, ब्लड के लिए, उनकी सेवा जो है, जो वो सेवा देना चाहते हैं वो हम इस रूप में लेना चाहेंगे। वाकई समाज सेवा है भी यही सर, अपनापन जो जिस समाज सेवा के अंदर झलकना चाहिए वो ऐसा ही होता है, जो लोग एक बच्चे को एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट देकर के और चार लोग उस पे फोटो खिंचवा लेते हैं, वो समाज सेवा नहीं होती है। आपकी ही समाज सेवा का एक और उदाहरण मैंने हाल फिलहाल में देखा, जब एक जो है वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई और आप खुद जो है ऊपर गए उनकी बॉडी पैक करवाने के लिए, वो क्या मसला था, एक बार उसके बारे में? देखिए वो जो हमारे बुजुर्ग थे वो दो अकेले ही रहते थे, दोनों बड़े भाई जो है वो 72 ईयर्स के थे और छोटे भाई जो एक्सपायर हुए हैं वो 65 ईयर्स के थे, और दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। ठीक है। लेकिन दो तीन दिन से हम लोग खाना भी उनको दे रहे थे, बांट रहे थे खाना भी, उसके साथ में हम लोग लगातार उनसे हालचाल जान रहे थे, तो रात को मेरे पास उन्होंने कॉल किया था कि जो छोटा भाई है सुबह के टाइम 5-6 बजे वो एक्सपायर हो चुके हैं रात को, तो हम लोग मौके पर पहुंचे और हमने डॉक्टर समीर से बात करके एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस के अंदर एक डॉक्टर, एक ड्राइवर था और एक स्टाफ था, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं है, चार लोग चाहिए क्योंकि बॉडी फर्स्ट फ्लोर पर है और थोड़ा सा वेट भी है, तो हमें तीन लोग और चाहिएंगे, तो मैंने डॉक्टर से बात की सिविल अधिकारियों से कि तीन कर्मचारी भेजिए, तो उन्होंने कहा था कि कर्मचारी कम है, आप किट पड़ी है उसकी व्यवस्था आप कर लें आसपास के लोगों के साथ जी। तो लेकिन कोई ज़्यादा आसपास के लोगों में से कोई तैयार नहीं हो पाया, तो हमने एक सफाई ठेकेदार है हमारे केसी जी, उनकी मदद से एक बंदा हमें मिला जी। और उसके अलावा दो बंदे और चाहिए थे, तो मुझे लगा कि जब ये लोग हमारी नगर निगम की टीम है, प्रवीण प्रधान जी हैं, सब लोग दाह संस्कार भी करते हैं, लगातार करते आ रहे हैं किट डाल करके, और ये जो सफाई कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य कर्मचारी हैं भी डेड बॉडी लेकर के जाते हैं, तो ये भी इंसान है, कोरोना किट सॉरी पीपीआई किट डाल करके हम कोरोना संक्रमित की मदद कर सकते हैं, तो उस उद्देश्य से, क्योंकि एक इंसानियत के नाते वो बुजुर्ग हैं हमारे और रात से डेड बॉडी पड़ी है, तो मतलब मानवता की नज़र से अगर हम देखें तो ये सही नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई आगे नहीं आ रहा तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग मिलकर के इस शहर के लोगों के लिए इस तरह से मदद कर सकें, वो हमने करने का काम किया। प्रवीण जी का आपने जिक्र किया, जो है शवों का अंतिम संस्कार करवाने में मदद करते हैं, अभी अभी जानकारी मिली कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, 50% तक जो है उनका ऑक्सीजन लेवल पहुँच गया है, क्या आपको कभी डर नहीं लगता है इस तरीके से कोविड के पेशेंट्स के बीच में 24 घंटे बने रहना? देखिए अब किसी ना किसी को तो आगे आके काम करना ही होगा, अब प्रवीण जी लगातार हम देख रहे हैं, पिछली बार भी इस बार भी हमारी नगर निगम की जो टीम है स्वास्थ्य सफाई कर्मियों की वो लगातार कर रही है, और मैं सलाम करता हूँ उनके जज्बे को कि वो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं जो खतरे का काम है। आज वो बीमार है लेकिन हजारों लोगों की दुआएं उनके साथ में है, हम लोग भी हैं उनके साथ में और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो एक सैनिक अपने घर परिवार को छोड़कर वहाँ खतरे में खड़ा है, कभी भी हमला होता है, कभी भी किसी की जान चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठे हैं, तो किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हजारों लोगों ने हम लोगों को चुना, तो उस चीज़ को देखते हुए, इंसानियत को देखते हुए, इस विपदा के समय को देखते हुए मेरा फ़र्ज बनता है कि हिसार शहर के लोगों के लिए मैं काम करूं, और पिछले 10-12 साल से लगातार हम सद्भावना टीम के माध्यम से और अन्य तरीके से लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, और जब तक शहर के लोगों के साथ कोई भी सुख दुख की घड़ी है तो हम लोग निरंतर उसके साथ रहेंगे और इसी तरह से काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी धन्यवाद।
तो देखिए, ये है अमित जी जो जनप्रतिनिधि हैं, और मैं हमेशा से कहती आई हूँ अमित जी आपके लिए बात, और आज एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि मेरी नज़र में जनप्रतिनिधि जो होना चाहिए वो बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए, जो जनता के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहे। तो ये थे अमित ग्रोवर जी, जो आज की इस महामारी के काल में लगातार दिन रात जो है सेवा में खड़े हुए हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जितना आपसे बन पड़ता है उतना आप भी कीजिए, और इसके साथ साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनके जो अच्छे कामों की जो एक लंबी सी लिस्ट जो है पिछले काफी समय में निकल करके आई है, सब तक ये बात पहुंच जाए। इसके साथ ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज को। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।